काफी टाइम के बाद आए हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक रौनक जो होती है ना, उसके लिए ही आते हैं। और यहाँ पे ऑफ कोर्स बस यही उम्मीद करते हैं आगे भी ये सब अच्छे से हो। तो जैसा मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ पर बात करी है रोजा इफ्तार के बाद, और मतलब बात करने के बाद मेरे को यही लगा कि काफ़ी लोगों ने ये बोला है कि भाई हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना, और हम चाहते हैं कि हम हर बार यहाँ पर आएँ, और हम मतलब हर साल यहाँ पर आएँ। ठीक है, तो मुझे मेरे को भी यही अच्छा लगता है कि मैं भी यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉगिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो भी यहाँ पर हर रोज़, मतलब यहाँ पर मैं रोज़ा इफ्तार करूँ और मैं आपको दिखाऊँ कि भाई यहाँ का कैसा माहौल रहता है और कितना अच्छा लगता है यहाँ पर। क्योंकि मेरी वीडियो मुझे नहीं लगता आप कहीं एक पर्टिकुलर जगह से देख रहे होंगे, आप मेरे को मल्टीपल लोकेशन से आप मेरे को देख रहे होंगे, तो आपका भी मतलब मन में ये रहता होगा कि भाई हम भी कभी दिल्ली जाएं, क्योंकि एक माहौल जो है यहाँ का वो बहुत अल्टीमेट है, हर कोई यहाँ पे आने के लिए तरसता है। तो हम दुआ ही करेंगे भाई वो लोग आएँ यहाँ पर, और यहाँ का जो इफ्तारी का जो तरीका है और जो इफ्तारी करते हैं पूरी फैमिली के साथ साथ यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छा है। और अभी नमाज़ का वक्त हो गया तो हम वजू कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम कुछ लोगों से और बातें करेंगे फिर हम, क्योंकि आज मीनार का तो जाने का कैंसिल ही हो गया था, तो मैं उसके लिए तो माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? लाइबा। कौन सी क्लास में हो? मैं हूँ 4। क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? डॉक्टर। ओ वाह, डॉक्टर। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। आपकी फेवरेट टीचर का नाम क्या है? सहाना। बिल्कुल आपके जैसी हमारी भांजी है, उसका नाम है सारा। तो वो मुझे बोल रही थी कि भाई मुझे भी दिल्ली लेके जाना है, तो आप उसको फ्रेंड बनाओगे अपनी? यस। थैंक यू। 20 रुपीज़ की बोतल है और माजा भी है मामा, 40 रुपीज़ की। समाज सेवा भी करनी पड़ती है। आपने देखा भैया ऐसी है, मतलब हेल्प भी कर देते हैं, अगर जो किसी के पास 10 रुपये हैं तो भाई वो 10 रुपये में भी बोतल दे देते हैं, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भाई, इसी तरह लोगों को सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो। थैंक यू। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि सब ने नमाज़ अदा कर ली है, अपना रोज़ा खोल लिया, नमाज़ अदा कर ली, और उसके बाद अब सभी लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और मस्जिद की मीनारे, मस्जिद की लाइटें भी देख सकते हैं आप कितनी जगमगा रही हैं। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ लोग यहाँ पर नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, और साथ साथ जिन्होंने नमाज़ अदा कर ली है वो यहाँ से धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, और धीरे धीरे जिन्होंने लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं बार बार, क्योंकि भीड़ बहुत हो रही है आज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज वीकेंड था, तो इस वजह से ज़्यादा भीड़ हो रही थी यहाँ पर, और धीरे धीरे यहाँ से लोग रवाना हो रहे हैं, क्योंकि सब ने रोज़ा इफ्तार कर लिया है, और इफ्तार के बाद यहाँ पर लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है। अब कुछ लोग यहाँ पर नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर दुआएँ मांग रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ से विदाई के आदाब ले रहे हैं। असल में यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि भाई हमारा तो जो सीन है वो कुछ अलग है, हम तो यहीं के रहतवान हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ से नहीं होते, दिल्ली के आउट ऑफ दिल्ली होते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा जल्दी सोचते हैं कि हम थोड़ा आराम से निकल जाएं यहाँ से। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुजात हुसैन सिद्दीकी। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला हर आदमी को यहाँ तौफीक दे नमाज पढ़ने की और रोज़ा इफ्तार करने की। और ये हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जामा मस्जिद दिल्ली का माना जाता है, देश की राजधानी है, और ऐसे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग यहाँ अमन चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और अमन शांति चाहते हैं। आज हम हिंदू और मुसलमान त्यौहार मनाते हैं, सब मिलजुल कर, लेकिन कुछ लोग सामाजिक समाज तत्व जो है वो देश को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, इससे माहौल ख़राब होगा। माहौल यहाँ तक कि हम लोग चाहते हैं भाईचारा रहे हमारा और हमेशा ऐसे ही रहे, हम प्यार मोहब्बत चाहते हैं हिंदुस्तान के, हम भी नागरिक हैं और तमाम हमारे भी यहाँ 750 साल यहाँ हमारी हुकूमत रही है, तो इतिहास है उसका, इतिहास है कि जामा मस्जिद भी है, आप गवाह हैं इस चीज़ की, आप इसको दिखा सकते हैं, समझ गए। अब चाहते हैं अमन शांति यहाँ रहे, देश का विकास हो, इसी की नहीं है, और आगे यहाँ जो भाईचारा है उसको कुछ लोग ख़त्म ना करें और हमेशा कायम रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? सौरभ हुसैन। सर सर आप क्या कहना चाहोगे, आपको कैसा लगा यहाँ पर रोजा? हमें बहुत अच्छा लगा, हमें रोजा था, हम बहुत ख्वाहिशमंद है, क्योंकि 3 साल के बाद हम फिर दोबारा वापस कर रही है हमने यहाँ। कहाँ से हैं आप? हम यहीं थे दिल्ली से सर, दिल्ली से। पिछले साल 2 साल में लॉकडाउन से वजह से नहीं आ पाए हम, इसी वजह से हम 300 साल के बाद फिर वापसी करी हमने, और हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब दिल को सुकून और आराम मिलता है। हम आज हम पूरी फैमिली के साथ यहाँ मौजूद हैं और हम बहुत खुश हैं, आज हमारा बहुत दिल खुश है।
कुछ लोगों के सपने रह जाते हैं यहाँ पर आने में, उसको उनको क्या कहना चाहोगे? इसकी ख्वाहिशमंद रखते हैं बहुत लोग, यहाँ पर लोगों का सपना है उन्हें आने का, नमाज पढ़ने का, उनका भी सपने पूरा होने चाहिए। हम यही दुआ करते हैं, यहाँ भी और जो बिरादरी के लोग हैं वो भी मौजूद होते हैं यहाँ पर, किसी के लिए मतलब गैर बिरादरी नहीं है यहाँ पर, सबके लिए अमन की रहे। मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है। कैसे हैं आप? जी मेरठ से हैं। आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा माहौल है माशाल्लाह से, रमज़ान का महीना है, काफ़ी लोग अच्छी तादाद में यहाँ रोज़ा खोलने आए हुए हैं, थोड़ा जामा मस्जिद है, अच्छा लगा यहाँ पर रोज़ा खोल के। मज़ा अपने फ्रेंड लोगों को क्या कहोगे, भाई आना चाहिए कि दिल्ली के अंदर? जी ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए सबको, जिसने मिस कर दिया तो मिस कर दिया मामला, जो ये यहाँ पर रहमत है ना वो अलग ही है, सब कुछ अलग है, यूनिकनेस है, हाँ बिल्कुल अलग हटके है सब कुछ। मेरा नाम इकरा नूर है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, हम सब अपनी फ्रेंड्स के साथ आए थे, हम अपनी बहन के साथ आए थे, और हम बहुत काफ़ी टाइम के बाद आए हैं यहाँ पर, तो हमें हमारा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अभी देखिए इनका सबका फोटोशूट ही चल रहा है, उसमें यही कह सकते हैं कि एक अल्लाह का करम ही है कि दो साल के बाद जो माहौल चेंज हुआ है, हर तरह से जो भी जो जिस भगवान को मानता है उनके लिए, जो अल्लाह को मानता है उनके लिए, तो टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं हमेशा से, और बेहतर है कि बेहतर ही हो जाएगी। दुआ करते हैं कि ऐसे ही हंसते खिलखिलाते लोग यहाँ पर आते रहें, और जिन लोगों की तमन्नाएं रह जाती है मतलब यहाँ आने की, काफ़ी साल से प्लानिंग करते हैं वो लोग नहीं आ पाते, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए कहेंगे कि जल्दी जल्दी टिकट बनवाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए, बहुत अच्छी जगह है और बहुत आपको अच्छा लगेगा कि यहाँ पर। हाय अस्सलाम वालेकुम, एंड मेरा नाम बिस्मा है, बिस्मा मासूम, और मैं यही बोलना चाहूँगी आप लोग भी जामा मस्जिद पे आएँ, यहाँ पर इंजॉय करें, बहुत अच्छा आपको लगेगा। और दो साल बाद यहाँ पर लॉकडाउन के बाद हम लोग सब यहाँ पर जमा हुए हैं, बस यही उम्मीद करते हैं आगे भी ये सब अच्छे से हो, और आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी रमज़ान मुबारक। मेरा नाम नौशीन है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत टाइम के बाद आई थी तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, यही कहूँगी कि बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आए घूमें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मेरा नाम दानियल अशरफ है। एज ऑलवेज यहाँ पे एक रौनक जो होती है ना उसके लिए ही आते हैं, और यहाँ पे ऑफकोर्स जिस चीज़ के लिए आए थे वो तो ऑब्वियसली अच्छी ही चीज़ है, यहाँ पे इफ्तारी करने के लिए आते हैं, और इफ्तारी का जो माहौल बनता है यहाँ पे, यहाँ पे इतने सारे लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग यहाँ पे अदर रिलीजन के लोग भी आते हैं जो कि अपने भाई बहनों के साथ मिल करके यहाँ पे इफ्तार करते हैं। ये माहौल जो होता है, ये माहौल हिंदुस्तान में शायद कहीं पर भी इस तरह का माहौल नहीं बन पाता है जो कि यहाँ दिल्ली में जामा मस्जिद के अंदर बन जाता है। तो ये इफ्तारी का माहौल जो है ये बहुत ही एकदम वन टाइम एक लाइफ में एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है किसी को भी। तो आप किसी भी पार्ट में रहते हैं इंडिया के, कहीं पे भी रहते हैं, आप आइए इस चीज़ को एक्सपीरियंस करिए। मेरा नाम सोफिया है जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। ऑनेस्टली ये जगह ऐसी है कि दिल्ली में इफ़ आप रह रहे हो और बाय एनी चांस आप दिल्ली में नहीं हो तो डू विजिट हियर, बिकॉज ये इतनी ऑसम प्लेस है, यहाँ ऐसी जगह आपको इफ्तारी के लिए और कहीं नहीं मिलेगी, ट्रस्ट मी गाइस। उनके लिए जल्दी जल्दी वो आ जाए, टिकट करवा करके यहाँ पे विजिट करिए, बिकॉज ये जगह ऐसे कि अगर आप आओगे तो आपको रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं होगा, ट्रस्ट मी गाइस। डू फॉलो द प्रोजेक्ट राही का पेज, बिकॉज ये एक NPO है और ये फॉलो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए हम चलाते हैं। ये जामा मस्जिद की सामने की जो गेट नंबर 1 है उसके सामने की मार्केट है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं आज बहुत भीड़ हो रखी है इधर भी, क्योंकि आज वीकेंड की वजह से लोग इधर आ रहे हैं, क्योंकि देखो भैया आप देख सकते हो मतलब पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है यहाँ पर, तो हम अंदर ही अंदर जाके क्या करेंगे। तो आज हम प्लान करते हैं कि हम अंदर ना जाएं और आज हम बाहर से ही रवानगी ले लें, क्योंकि आज बहुत भीड़ हो रही है, अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि हम शूट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, अपना जो ब्लॉगिंग का जो शूट है वो नहीं कर पाएंगे हम, तो इस वजह से हम इस ब्लॉग को आज हम यहीं पर एंड करेंगे।